कश्मीर में कुछ तो टेररिस्ट होते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है टेररिस्ट सिंपथाइजर का, इनको मैं ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलता हूँ। दो कैटेगरी हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स की। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो ग्राउंड पे जाकर इन्फॉर्मेशन देते हैं टेररिस्ट को और उनके टारगेट इत्यादि तय करते हैं, और दूसरे जो हैं जो अपालोजिया क्रिएट करते हैं और इनका नैरेटिव सेट करते हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट करने वाले हैं इनको बड़ा भारी धक्का लगा है, क्योंकि यासीन मलिक जो इनका पोस्टर बॉय था और जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के लिए यूथ आइकॉन भी हुआ करता था, उसने अब यह स्वीकार कर लिया है, उसने यह कन्फेशन कर लिया है यूएपीए की धारा 16, 17, 18 में, जिसको कहते हैं। एक तो उसने क्या 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 स्वीकार किया, सबसे पहले तो उसने स्वीकार किया नंबर वन कि उसने टेररिस्ट एक्ट कमिट किया है, यानी कि टेररिस्ट क्राइम की है। फिर दूसरा उसने स्वीकार किया कि उसने टेररिस्ट एक्ट के लिए फंड इकट्ठे किए। फिर तीसरा उसने स्वीकार किया कि उसने टेररिस्ट एक्ट के लिए षड्यंत्र किया है। फिर उसने यह स्वीकार किया कि वो टेररिस्ट गैंग का मेंबर था। और इतना सब स्वीकार करने के साथ साथ जो अन्य चार्जेज हैं षड्यंत्र के, कंस्पिरेसी के, वो भी सारे उसने स्वीकार कर लिए। तो अब भाई जब तुम्हारा जो पोस्टर बॉय था उसने ही स्वीकार कर लिया कि टेररिज्म नाम की चीज़ होती है और जिहाद नाम की चीज़ होती है, तो अब तुम लोगों के पास क्या बच गया है, तुम लोग कहाँ अपना मुंह छुपाओगे। भंडाफोड़ हो चुका है और ये पूरा पता चल चुका है कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लामिक जिहाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये स्वयं यासीन मलिक ने, पोस्टर बॉय ने स्वीकार कर लिया है।